you understand the conversion of infix expression into postfix expression using stack. So हमारे पास यहाँ पे एक expression है जो कुछ operator and operands का combination है. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो तीन columns बनाएंगे, the first one is scan symbol जिसमें हमारे input होंगे symbols कुछ, then stack and the last one is output expression fine. So तो जो हमारी output expression है उसमें हमारे सारे operands जाएंगे, जितने भी हमारे variables हैं वो सारे जाएंगे, और हमारे stack में operation perform होंगे operators के ऊपर. तो वो operations उनकी कुछ priority है operators की, उनको ध्यान में रखते हुए operation perform करने हैं. तो just let's have a quick review about the operators. So we have the power sign have highest priority, then asterisk and divide the lower highest priority, and the plus and minus is the very lowest priority. Fine. So let's start. सबसे पहले हम लोग अपनी expression को parenthesize करेंगे, और मैं यहाँ पे किसी technique आपको बताने जा रही हूँ जिसके through आप लोग किसी भी expression को solve कर सकते हैं बहुत easy way में. तो please इसको ध्यान से देखिएगा. तो हमारे पास तीन columns बना लिए हमने. तो सबसे पहले scan किया हमारा open bracket, stack में हमारे पास ओपन ब्रैकेट गया, आउटपुट एक्सप्रेशन में हमारे पास अभी कुछ नहीं आया जब तक इस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे. अभी हम स्टैक में इसको इन कर सकते हैं. देन ए स्टैक रिमेन सेम एज प्रीवियस एंड आउटपुट ए प्लस साइन. तो स्टैक में हमारे पास पुश हो जाएगा प्लस और आउटपुट एक्सप्रेशन में ए. नेक्स्ट इज ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट प्लस पुश इन टू द स्टैक and output A. Next scan symbol is B, so open bracket plus open bracket और output expression में हमारे पास आ जाएगा A और B. So, next is asterisk open plus open, तो ये हमारा चला जाएगा push हो जाएगा stack में. Then A and B. Next is C open plus open asterisk, so operand हमारा output expression में, then minus sign. अब यहाँ पे एक condition आ गई है, जो stack है हमारा उसमें already एक highest priority का operator है, फिर हमारे पास stack में push होना चाहता है एक lowest priority का operator, लेकिन हम क्या करते हैं stack में जो highest priority का operator है उसको पहले pop करते हैं. फाइन, तो हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि जो हमारा एस्ट्रिक है हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर है उसको हम कर देंगे पॉप, तो एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी ये, और ये पुश होगा तो यहाँ पे आ जाएगा. फाइन, देन ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन माइनस ओपन ब्रैकेट एंड आउटपुट. नेक्स्ट इज डी ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन माइनस ओपन देन ए बी सी एस्ट्रिक डी. नेक्स्ट इज डिवाइड साइन ओपन प्लस डिवाइड देन रिमेन सेम ई. नेक्स्ट इज ई स्कैन सिंबल इज ई, सो ओपन प्लस ओपन माइनस ओपन डिवाइड then A B C asterisk D and E is output expression. Then scan symbol is minus, so we have open bracket plus open bracket minus open bracket. अब यहाँ पे condition हमारे पास है कि जब हमारे पास दूसरा operator push होना चाहता है तब हमें एक condition check करनी है उनके precedence की कि वो जा सकता है नहीं जा सकता है. अगर ये कंडीशन है हमारे पास ऑलरेडी हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर है और ये लोएस्ट प्रायोरिटी का है, माइनस साइन यू कैन चेक हियर. सो एज प्रीवियस कंडीशन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जो डिवाइड साइन है वो हमें पॉप कराना होगा स्टैक से, वो हमारा चला जाएगा आउटपुट एक्सप्रेशन में, और
इनपुट में हमारे पास स्टैक में पुश हुआ माइनस, फाइन। सो नेक्स्ट इज एफ ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन माइनस, सो आउटपुट विल बी ए बी सी एस्ट्रिक डी ई डिवाइड साइन एफ। नेक्स्ट इज क्लोज ब्रैकेट, वी गॉट वन। तो यहाँ पर एक छोटी सी देखने वाली बात है कि जब भी हमें एक ओपन ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए ब्रैकेट मिल जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से पॉप हो जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा। तो ये माइनस जो ऑपरेटर है हमारा वो आ जाएगा हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन में। सो एक्सप्रेशन विल बी डी ई डिवाइड एफ देन माइनस, फाइन। नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज एस्ट्रिक, सो अब हमारे पास माइनस साइन है और एस्ट्रिक हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, वो आना चाहता है स्टैक में, पुश होना चाहता है। तो माइनस और ये एस्ट्रिक, ये कंडीशन हमारी वैलिड रहेगी, क्योंकि अगर दो ऑपरेटर एक साथ रह सकते हैं स्टैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैलिड कंडीशन है। ये वाली हमारी इनवैलिड कंडीशन थी, क्योंकि हमें जब अभी तीसरा ऑपरेटर अगर आना चाहता होगा या हमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तब हम इन ब्रैकेट्स इन ऑपरेटर्स को यहाँ से पॉप करा देंगे। तो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहेगी, एस्ट्रिक। सो ए बी सी एस्ट्रिक डी ई डिवाइड एफ माइनस, ओके। सो अब नेक्स्ट इज जी ओपन प्लस ओपन माइनस एस्ट्रिक एंड आउटपुट एक्सप्रेशन में हमारे पास चला जाएगा जी, प्रीवियस में हम जी और ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज क्लोज ब्रैकेट, यस वी गॉट अनदर क्लोज ब्रैकेट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस, वी जस्ट पॉप दीज बोथ एंड हम इसको आउटपुट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। ए बी सी एस्ट्रिक डी ई डिवाइड एफ माइनस जी, ओके, एंड एस्ट्रिक देन माइनस, देन स्कैन सिंबल इज एस्ट्रिक। सो एस्ट्रिक नो प्रॉब्लम, वी हैव लोएस्ट प्रायोरिटी माइनस एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एस्ट्रिक, सो वी विल गेट डी ई डिवाइड एफ माइनस जी एस्ट्रिक माइनस, एंड देन एच ओपन प्लस एस्ट्रिक ए बी सी डी ई डिवाइड एफ माइनस जी एस्ट्रिक माइनस एच विल मूव इन टू द आउटपुट एक्सप्रेशन। एंड द वेरी लास्ट वी हैव क्लोज ब्रैकेट, सो क्लोज ब्रैकेट हमें अपने पीछे स्टेप में देखा था जब भी हमें एक क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो अब जब ये मूव कराएंगे हम अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस, तो ये पूरा का पूरा स्टैक और स्टैक अब हमारे पास खाली हो जाएगा। तो आउटपुट में हमारे पास आएगा ए बी सी एस्ट्रिक डी ई डिवाइड एफ माइनस जी एस्ट्रिक माइनस एच एंड एस्ट्रिक देन प्लस। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है। तो अगर आपको किसी और एक्सप्रेशन